समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिकंदराराव के क्रीड़ा मैदान में चुनावी सभा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भाजपा में जो जितना बड़ा नेता है वह इतना बड़ा झूठ बोलता है। भाजपा के नेता आज प्रदेश में माफिया और गुंडाराज खत्म होने की बात कहते हैं, लेकिन यह सरासर गलत है। हाथरस की घटना इसका उदाहरण है। यदि आसपास अच्छे इलाज की व्यवस्था होती तो उस बहन की जान बच सकती थी। इतना ही नहीं, उसके शव का परिजनों की मर्जी के खिलाफ मध्यरात्रि में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी तरह गोरखपुर में पुलिस ने एक कारोबारी की हत्या कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सांड लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। कहा कि यदि प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो जिन लोगों की मौत आवारा गोवंश की वजह से हुई है उनके आश्रितों को आर्थिक मदद दी जाएगी। के चुनाव से ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है, ये बात मानते हो कि नहीं मानते ये बताओ। पहले हमारे अलीगढ़ के लोग जानते होंगे, जिस चरण में चुनाव हुआ है उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और ये बात इसलिए मानिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई, मुझे नहीं लगता कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आया था। और अगर आया होगा तो आप जानते होंगे कि कैसा कैसा झूठ बोला जा रहा है। किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की, और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है। इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका छोटा नेता है, अगर उनका कोई छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोल रहा है। अगर थोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। आज जिन जिन लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, जिन जिन लोगों ने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कई गुजरात के व्यापारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए। ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए। और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के तो बताओ कहां का निकला है? ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है। हम और आप लोग अगर पैसा लेने जाएंगे तो कहो हमें और आपको सब अपनी जमीन रखनी पड़ जाए, मकान रखने पड़ जाए, तब बड़ी मुश्किल से बैंक से लोन मिलता है। लेकिन कमाल के लोग हैं ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग, इन्हें पैसा मिल रहा है बैंकों से और इनको रखना कुछ नहीं पड़ता है, केवल हवाई जहाज की टिकट लेते हो और भाग। तो अगर 22,000 करोड़ एक उद्योगपति ले गया और अभी तक के हिसाब किताब लगा लो कितने उद्योगपति पैसा लेकर के भागे होंगे। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं हाथरस के लोगों से कि इस बार गठबंधन की मदद करो। गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है।
ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। भविष्य कैसे बनेगा ये उसका चुनाव है। ये लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है उस संविधान को बचाने वाला भी चुनाव है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी बनती है। इस चुनाव में आप लोग साइकिल की मदद करो, जहां साइकिल चुनाव चुनल लड़ रही है, जहां हैंडपंप वाले लड़ रहे हैं वहां हैंडपंप की मदद करना। लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चरण का चुनाव, जब से साइकिल और हैंडपंप संग संग आई है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। और जब मैं अलीगढ़ गया था तो अलीगढ़ वालों से मैंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो, जिससे कभी दोबारा उत्तर प्रदेश में ना आ पाए। यही बीजेपी ने कहा था कि नहीं कहा था? और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लोग तो बताओ खाद मिल पाई आपको कि नहीं मिल पाई? न खाद मिली, न कीटनाशक दवाई मिली, न डीएपी मिली। और अगर फसल आपने तैयार कर ली होगी तो उसकी कोई कीमत भी नहीं सरकार दे पाई। और ऊपर से कैसे कानून लागू हो रहे थे और कैसे कानून लागू हुए थे? तीन काले कानून लाए गए थे, तीन काले कानून लाए गए थे। किसानों ने विरोध किया, आंदोलन किया। हम बधाई देना चाहते हैं अपने किसान भाइयों को कि जिन्होंने संघर्ष कर करके सरकार को झुकाने का काम किया और सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। कारखाने बना करके जो बने हुए बिजली के कारखाने, बिजली भी दिलाएंगे और बजट से हिसाब किताब लगा लो, हमें कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो बिल देते हैं हमारे लोग उनका 300 यूनिट का पैसा लगा लो, साल का ज्यादा से ज्यादा 30,000 करोड़ बन रहा है। हम अपने गरीब और किसानों के लिए और आम लोगों के लिए अगर 30,000 करोड़ भी खर्च करना पड़ेगा तो बजट से खर्च कर करके अपने लोगों की मदद करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, सुना इन्होंने अच्छे दिन वाले। और याद कीजिए जब मैं पिछली बार आया था 2017 में, मैं इसी मंच पे आया था और मैंने नोटबंदी के बारे में कहा था कि ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि रुपया काला सफेद होता है। बताओ नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार डबल हो गया। समाजवादियों ने पुलिस को अच्छी गाड़ी दी थी, 100 नंबर गाड़ी भी दी, मोटरसाइकिल भी दी। वो इसलिए दी थी कि जिससे हमारे गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों के साथ अगर कोई विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, फोन करने पर पुलिस उनकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर का इंतजाम किया था। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि सभी लोग समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे।